फरीदाबाद की श्री विश्वकर्मा स्कूल यूनिवर्सिटी के कैंपस में महिला टीचर के साथ दुष्कर्म और अपहरण की कोशिश के मामले में यूनिवर्सिटी ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। डीन एकेडमिक ज्योति राणा ने अध्यक्षता में बनाई गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी सभी पहलुओं की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट वाइस चांसलर को सौंपेगी। मामला सामने आया है कैंपस के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्रैच में, इस तरह का क्या कहेंगे? इस तरह के ये मामला हमारी संज्ञान में भी आया और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस प्रकरण की भर्त्सना करती है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ा जा रहा है, क्या यूनिवर्सिटी का कोई वो टीचर थी, क्या था मामला? जैसा कि आपने भी बताया कि यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है अभी, और यूनिवर्सिटी की जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, ये अधिकतर शैक्षणिक गतिविधियां हमारे ट्रांजिट कैंपस गुरुग्राम से संचालित की जा रही है। और अभी ये जो साइट है, इस साइट को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हमारी जो एक टीम है वो मॉनिटर करती है, जो कि इरकॉन इंडिया को दिया हुआ है। तो इरकॉन के द्वारा अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पर इंगेज किया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने उनके जो एम्प्लॉयज़ है उन एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए क्रेच खोल रखे हैं, ताकि जब एम्प्लॉयज़ काम पर जाते हैं या उनकी महिलाएं काम पर जाती है तो उस समय बच्चों को कुछ इंगेज रखा जाए, उनको कुछ पढ़ाया जाए। इस तरह का एक क्रेच जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी JPG नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भी संचालित किया जा रहा है, और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा संचालित क्रेच में ये महिला जो हैं वो वहाँ पर बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। तो ये विश्वविद्यालय की क्लास नहीं थी, और न ही जो महिला हैं वो विश्वविद्यालय के रोल पर हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा आपको इस कार्य के लिए रखा गया था। तो ये कार्रवाई के तौर पर अगर देखें तो क्या किया गया है अब तक? जैसा मैंने बताया कि इस एक समिति का गठन किया गया, और ये समिति आज अलग अलग लोगों से बात कर रही है, और मौके पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी जायजा लेगी, और जो भी करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं इमीडिएटली उन करेक्टिव मेजर्स को नोटिफाई किया जाएगा। वो इरकॉन के लिए भी होंगे, वो यहाँ पर कार्य करने वाले जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उनके लिए भी होगा। तो ये थे हमारे साथ RS राठौर, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, जिनका तरफ से साफ कहा गया और कड़े कदम उठाए गए हैं। एक कमेटी तुरंत जांच रिपोर्ट के लिए गठित कर दी गई है, और जल्द ही वो कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी, और जो दोषी चाहे कौन हो, चाहे JPG, उनकी तरफ से क्या लापरवाही होंगी इन तमाम विषय पर वो अब जाँच करेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।